नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हुनिशा और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के सूरत के मकाई पुल पर भारी धमाल, पुलिस और जनता आमने सामने आ गई। टियर गैस के सेल छोड़ने पर चारों ओर अफरा तफरी का माहौल। चौक बाजार तक रास्ते बंद, रैली को मकाई पुल से रोक देने से यहां झगड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि इस रैली को मंजूरी मकाई पुल तक ही थी। गुजरात से गौतम ब्यास की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। गश्त के दौरान चेकिंग में तीन संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 315 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस, 315 बोर और 9 मोटरसाइकिल, अलग अलग कंपनी की एक इकट्ठा हुआ चेस बरामद हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निर्देशन में चल रही चेकिंग में ये सफलता हाथ लगी और जिसमें एक मिस्त्री की दुकान से कटा हुआ गाड़ी का चेस बरामद हुआ। एक आदमी इसमें अभी भगा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार वाहन चोरों के पकड़ने की दिशा में सिरसागंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और इस पर वाहन चोरी की घटनाएं जो लगातार हो रही थी उस पर अंकुश स्थापित होगा। इसमें अभी गाड़ियों को कनेक्ट किया जा रहा है। तीन गाड़ियां तो अपने जनपद फिरोजाबाद के ही कनेक्ट हुई हैं अभी तक, अन्य गाड़ियों को भी कनेक्ट किया जा रहा है और इनका कहना है कि आसपास जो मैनपुरी, इटावा के जनपदों में भी वाहन चोरी घटनाएं करते हैं और इनका एक जो साथी है वो लगातार इन गाड़ियों को काट के उसके अलग अलग पार्ट्स को बेच के पैसा कमाते हैं। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।